वहाँ से निकल रहे हैं तो वहाँ पे रोना आ रहा है, ऐसा सन्नाटा लग रहा है कि यहाँ पे एक मजमा हुआ करता था। मिला के बजाइए भाई। वो पचाई छटाई सत, उसके बाद जो भुइयां रानी की छन्नी, प्लेटे लूटना, पेट में छुपाना। मैं हूं आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज का ब्लॉग थोड़ा सा दुख भरा है, वो इसलिए है कि आज है 10 मुहर्रम, लेकिन मौदहा में इतनी ज्यादा सख्ती है, मतलब आपका हर इमामबाड़े में दो दो तीन तीन पुलिस वाले बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने दे रहे, मतलब बहुत ज्यादा सख्ती है। थोड़ा सा यहाँ पे सबील का इंतजाम है सज्जन भाई के घर पे, तो मैं भी वही आया हूँ। तो मैंने मौदहा में एकदम मातम जैसा माहौल है, इस वक्त भुइयां रानी में बड़े अलाव मैदान में क्या रौनक होती थी, किस तरीके से चीजें बन रही है वो आपको दिखाते हैं। लाइट का थोड़ा सा इशू हो सकता है तो आप मैनेज करिए, बाकी ये ब्लॉग कैसा लगेगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कहाँ से है मुझे कॉमेंट करिए, और आपके यहाँ पे किस तरीके से इस बार मुहर्रम हुए हैं वो भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे सज्जन भाई और इन्होंने इंतजाम किया है सबील का, क्या बन रहा है भाई? खीर बन रही, खीर, और बहुत लजीज माशाल्लाह से। चलते हैं खीर दिखाते हैं, और कौन कौन सबील में शरीक हो रहा है, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स आए हैं, आई होप जो मौदहा के उनको जरूर जानते होंगे। तो चलो सबसे पहले सबसे मिलवाते हैं। मुहर्रम नहीं हो रहे हैं तो एकदम मौदहा में तो बिल्कुल मातम जैसा है, पूरा मौदहा मैंने विजिट किया, सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे मौदहा में। इंशाल्लाह अगले साल से अच्छा होगा। तो बस अब चले बाहर, हम आइए बाहर सबको दिखाते हैं। तेरी राहों में जो एक बार खुद को खोता है, तेरी यादों। ये पूरी टीम है, यूसुफियान भाई बड़ी मेहनत करी है, बहुत देर दूध को घोटा है। ये हमारे अहमद भाई, आपने एक और ब्लॉग था उसमें देखा होगा, जान कर रहा है आ गए। हाँ आ गए, बहुत बेहतरीन लग रहा है। अकबर भाई आए हैं ब्लॉग बनाने यहाँ पे। तो ये हमारे जान सुफियान, हमारे फैजान भाई। तो फैजान भाई आप इस बार के मुहर्रम को कितना ज्यादा मिस कर भाई? वो पचाई छटाई सताई, उसके बाद जो भुइयां रानी की छन्नी, यही सारी चीजें तो मेन है भाई, प्लेटे लूटना, पेट में छुपाना। 10 तारीख को यहाँ पे डोसा हुआ करता था, उसकी यादें। वहाँ से निकल रहे हैं तो वहाँ पे रोना आ रहा है, ऐसा सन्नाटा लग रहा है की यहाँ पे एक मजमा हुआ करता था। मिला के बजाइए भाई। जा रहे हैं तो लग रहा है क्या है क्या नहीं है यहाँ पे, लेकिन मौदहा की आवाम से ये अच्छी बात है कि उन्होंने गाइडलाइंस का पालन किया, किया वो कराया गया। चलिए बहुत अच्छा है कि हमारी मौदहा की जनता इतनी ज्यादा लाइक सभ्य है कि जितनी भी आदेश उनका पालन कर रहे हैं, चाहे घर पे मातम ही क्यों ना करे, इस तरीके का माहौल क्यों ना हो, तो ये मौदहा में एक बहुत अच्छी बात है। मुहर्रम को बहुत ज्यादा मिस किया जा रहा है, लेकिन हम पुलिस प्रशासन का भी पूरा सपोर्ट करेंगे, वो भी हमारे लिए ही है, इसलिए जैसा वो कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। बहुत बढ़िया, काफ़ी सब लोग उदास है, इस माहौल को मिस कर रहे हैं सब लोग, मतलब। और इस वक्त पे होता था कि सारे लोग जो है तो बड़े अलाव में मिलते थे, और कोई सवारियां देख रहा है, कोई ताजिया देख रहा है, कोई बिरयानी लूट रहा है। न्याज होने वाला है, और ये हमारे पूरी कज़ियाना की टीम है जो कि न्याज में शरीक होने आई है। तो गाइस अब सारी चीज़ें हो गई हैं और बहुत अच्छी खीर भी बनी है, और अब बस न्याज होने वाला है। तो चलिए सीधा हम न्याज पे ले चलते हैं आपको, आप भी शरीक हो जाइए इस न्याज में, हुसैनी न्याज है। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الاولين والاخرين حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دي بارگاه اقدس میں تحفظا حجيا پیش نظر ہے مولا قبول فرما لے ان کے صدقے توسل سے انبیاء مرسلین
ملائکہ مقربین خلفائے راشدین آل و طہار ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح طیبہ کی پیشے نظر ہے مولا قبول و جملہ شہدائے کربلا شہدائے خیبر شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے حنین شہدائے جمل شہدائے صفین کی ارواح طیبہ کی پیشے نظر ہے مولا قبول و باب الوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا طاہرہ کی پیش نظر ہے مولا قبول فرمائے ان کے صدقے توسل سے مولا ہمارے तो ये सभी भाई खीर बहुत जबरदस्त बनी है भाई, अपने हाथ से बनाई है, मतलब टेस्ट अप किया मैंने, सुबह 10 बजे से लगा हुआ हूँ। ये है खीर और माशाल्लाह से देखने से बहुत लजीज और बहुत यमी लग रही है, इसको ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो ये खीर है और माशाल्लाह से देखने से बहुत अच्छी लग रही है, और सबसे जो बड़ी बात है हुसैनी लंगर है और हुसैन से जुड़ी हुई हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, उसको हम ट्राई करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है, और दोस्तों मैं बता दूँ मेरी तीसरी कटोरी है क्योंकि खीर बहुत अच्छी बनी है। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा व्लॉग, और मैंने कोशिश करी थी कि आपको मौदहा में इस बार मुहर्रम का माहौल कैसा है, क्या लोग फील कर रहे हैं अगर इस बार मुहर्रम नहीं हुए हैं, तो वो मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ। आपको ये व्लॉग वाकई अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आपने कितना मिस किया ये मुहर्रम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए अच्छे और एंटरटेनिंग व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबक है, लव यू गाइज, खुदा हाफिज़।